जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजौरी गार्डन पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने की टीम ने 23 वर्षीय एक शराब माफिया अमन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1044 क्वार्टर अवैध शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जाने वाली कार बरामद हुए है। वेस्ट डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार 12 अप्रैल को हेड कांस्टेबल पवन और हेड कांस्टेबल रमेश एसएचओ राजौरी गार्डन और एसीपी राजौरी गार्डन के कुल निरीक्षण और मार्गदर्शन में राजौरी गार्डन के इलाके में अपने पिकेट ड्यूटी कर रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर एक कार को रोका गया और जांच की गई। उसी की जांच करने पर पुलिस टीम को 1044 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अमन पुत्र कमल रिहायशी समयपुर बादली आयु 23 वर्ष के रूप में हुई। इसके अनुसार आबकारी अधिनियम की संलग्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।